नहीं, आप जब किसी घर में जाते होते, घर में लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। क्या वो गली के कुत्तों की बात कर रहे हैं? घर के अंदर की कुत्तों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पॉलुस चर्च की बात कर रहा है, कहता कुत्तों से और काट कूट करने वालों से सावधान। और उसने कहा अपने अगुए को बहुत ही सम्मान के योग्य समझो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अगर वो आपके अगुए का सम्मान नहीं करते हैं, वो आपके लिए नहीं चुने गए। और ये पहली निशानी होगी, वो आपके लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स नहीं, ये पहला निशान होगा आपके लिए, और उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी संगति सही है तो आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, और जो लेवल परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको मिलेगा, हाँ या ना। और सही ट्रैक पे आने के लिए, आपको सही ट्रैक पे जाने के लिए आपको वचन की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हो, वचन की रोशनी में जाना शुरू करते हो, आपको मालूम होता है अगर मेरी संगति है तो कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, बाइबल पढ़नी है तो कैसे पढ़नी, प्रार्थना करनी है तो किस रीति के साथ करनी, और अगर मेरी लाइफ में परीक्षा आए तो किस तरह मुझे परमेश्वर में खड़े रहना। और इस तरह से आप अपने आप को सिद्ध करते जाते हो, और जो काम परमेश्वर ने आपके लाइफ के जरिए सोचे परमेश्वर उसे करने पाते, क्योंकि उसे राइट ट्रैक और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए आपकी लाइफ में अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं, कंपैरिजन किससे करूं। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे खमीर, ऐसे स्त्री के समान है जिसने खमीर लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब आटा क्या हो गया, खमीर हो गया। आप एक खमीर हो, मालूम है आपको, पॉजिटिव खमीर हो आप, जिस जगह जाओगे खमीर कर दोगे, आप पॉजिटिव खमीर हो। बाइबल कहती है आप नमक हो, नमक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना खराब ना हो, अचार खराब ना हो, इसलिए नमक उसमें ज्यादा डाला जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा मोहल्ला नाश नहीं होगा, तुम्हारा घर नाश नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैं अपने बिजनेस में था, और अपने बिजनेस से मैं हमेशा परमेश्वर के घर में भेंटों को लेकर जाया करता था, हर डे रोज, तो मेरी फैमिली परमेश्वर के खिलाफ थी उस टाइम, तो वो हमेशा जो मुझे वचन सिखाते या समझाते थे मेरे ग्रुप के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। और एक दिन उन्होंने कहा तू ऐसा कर, जो तू पैसा लेके आता है अपने घर से, अपने बिजनेस से जो प्रभु के कामों में लगाता है, वो बोना छोड़ दे। और इनको मालूम होगा क्योंकि बिजनेस बढ़ता जा रहा था, और मेरी फैमिली बोलती थी नहीं तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो बिजनेस में आ, तू तुझे क्या जरूरत है, प्रभु का काम कर, रात को जाके कर, संडे जा, लेकिन हमारे बिजनेस में हमारा साथ दे तू। उन्होंने कहा कि अपने पैसों को बोना तू छोड़ दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं बिजनेस पे डिपेंडेंट था। एक टाइम आया जब सेवा बढ़ी, मैंने उस बिजनेस को छोड़ा और वो बिजनेस डाउन हो गया। कितने मेरी बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि मैं एक नमक की तरह था वहां। आप एक नमक हो अपने घर में। एक दिन आएगा, चाहे अब नहीं, जब आपकी फैमिली आपका थैंक्स करेगी, आपका मोहल्ला आपका थैंक्स करेगा, आपके लोग आपका थैंक्स करेंगे, एक दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम ज्योति हो। पुराने टाइम में लोग रात को सफर नहीं करते थे, उन्हें मालूम था हमें ज्योति चाहिए, लाइट चाहिए, रात को लाइट नहीं होती थी क्योंकि बिजली नहीं थी होती तब। परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो, तुम्हें देख के लोग अगुवाई पाएंगे, उन्हें रास्ता मालूम होगा। एक बहन जिसके पति को सेंटर में भेज के, नशे चढ़ाऊ केंद्र में भेज के वो थक चुकी, अब वो उसे तलाक देना चाहती, और कोई बंदा जाके बोलता है नहीं नहीं तू उसे चर्च में लेके आ, और चर्च में लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं, तो क्या आप ज्योति नहीं है? है नहीं,
तो परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम अगर जगत की ज्योति हो तो अपने परिवार की ज्योति हो के नहीं, अपने बिजनेस में ज्योति हो के नहीं, पर अगर उस ज्योति के फ्यूज उड़ जाएं तो फिर वो किसी काम की नहीं। अगर व्यभिचार उसका फ्यूज उड़ा दे तो किसी काम की नहीं। अगर चोरी उसका फ्यूज उड़ा दे, नशा उसका फ्यूज उड़ा दे तो वो किसी काम की नहीं। तब बल्ब लगा तो हुआ पर उसका फ्यूज उड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा तुम लेवन हो, तुम खमीर हो, तुम पॉजिटिव खमीर हो, तो खमीर अपने आप को सुरक्षित रखे। अगर खमीर में मिलावट आ जाए तो आपकी मम्मी उसे दही में नहीं डालती। हाँ, अगर खमीर में मिलावट हो जाए तो उसे ब्रेड बनाने के लिए आटे में नहीं मिलाया जाता। खमीर साफ होना चाहिए, खमीर क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सब्जी में आपके कीड़ा लगाओ थोड़ा सा, आप उसे काट काट दोगे, दूसरी डाल दोगे, पर अगर नमक में थोड़ी सी रेत डल गई आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने कहा जिन लोगों ने ज्योति पा ली, पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ का वरदान का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए उन्हें नया बनाना अनहोना। इसीलिए आज बॉर्न क्रिश्चियन लोगों की हालत अन्य जातियों से बदतर है, क्योंकि उन्होंने सामर्थ का स्वाद चखा और पीछे हट गए। क्योंकि बाइबल कहती है आप सब्जी का कीड़ा तो निकाल दोगे काट के, पर आप नमक को अगर खराब हो जाए तो लिखा वो पांव के नीचे आएगा और वो कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ अलग है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप खमीर हो, आप नमक हो, आप में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप एक खमीर हो, कब तक बचेगा आपका परिवार? कब तक आप उसे खमीर कर दोगे? कब तक बचेगा वो? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरा कटने वाला एक दिन, कब तक लोग खैर मनाएंगे? अगर हम खमीर हैं और पॉजिटिव खमीर हैं, अगर सही वाला खमीर हैं, तो अगर मैं खमीर था तो आप यहां बैठे हो, और आप अगर सही खमीर हो आपके परिवार भी यहां बैठे होंगे, रिश्तेदार यहां बैठे होंगे। आमीन ऊंचा। तो अगर आप खमीर हो, अगर आप में मिलावट नहीं, तो रिजल्ट आप जानते हो। 2 साल विरोध हो जाएगा, 3 साल रिश्तेदार कुछ बोल लेंगे, 4 साल बोल लेंगे, घुटने टेकेंगे, माथा टेकने आएंगे, समर्पित करने आएंगे अपने आप, बपतिस्मा लेने आएंगे। और ये मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप पॉजिटिव खमीर हो तो, अगर आपने अपने खमीर को खराब नहीं होने दिया, क्योंकि खराब खमीर किसी काम का नहीं, खराब नमक किसी काम का नहीं, खराब फ्यूज हुआ बल्ब किसी भी काम का नहीं। हालेलुया। तो आप अलग हो दुनिया से। लोग बीमार होते हैं, मंजी पे पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। एक क्रिश्चियन बीमार होता है, जब उठता है तो 10 आशीषों के साथ उठता है। जब क्रिश्चियन दुखी होकर उठता है तो 15 ब्लेसिंग्स के साथ उठता है, और सिर्फ अपनी नहीं, वो दुनिया की ब्लेसिंग के साथ उठता है, जिस तरह आप उठाए जाने वाले हो। तो आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप बहुत अलग हैं। आपका डीएनए चेंज हो चुका है, आप जीसस क्राइस्ट का डीएनए अपने अंदर रखते हो। आपका डीएनए चेंज हो चुका है, मैंने कहा। आमीन। लोग उठते हैं, उनका विरोध होता है, 4 खोते खिलाफ खड़े होते हैं और बंदा गिर जाता है। आपके खिलाफ 40 खड़े होते हैं, 400 खड़े होते हैं, और आप बढ़ते जाते हो। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, एवरी वीक, हर डे। आप अलग हो। बस एक विनती करना चाहता हूं आपसे, अपने आप को करप्ट मत होने देना।
नहीं तो आप किसी काम के नहीं हो, आप अन्य जातियों से बुरे हो, आप पांव से रोंदे जाने के काबिल हो अगर आप करप्ट हो गए तो। हालेलुया। क्योंकि अगर नमक में रेता और मिट्टी पड़ गई तो उसको साफ नहीं करते लोग, अगर खमीर खराब हो गया तो उसको क्लीन नहीं कर सकते आप, उसको फेंकना पड़ेगा। आप अपने आप का ध्यान रखो, आप नोटिस करो, एक विश्वासी जब तक एक आदमी नहीं था उसको व्यभिचार की स्पिरिट ने तंग नहीं किया, पर क्रिश्चियन बनने के बाद उसको व्यभिचार की आत्मा सताती। क्यों? वो जानता है शैतान आप खमीर हो, उसे मालूम है एक स्त्री ने थोड़े से खमीर को 3 पसेरी आटे में मिलाया, बस 3 पसेरी जिसे पूरा परिवार मिलके खाए तो खत्म ना हो, वो आपके परिवार की ओर देख रहे हैं, आपके परिवार की ओर परमेश्वर आपको सिग्नल दे रहा है कोई, हाँ आपको सिग्नल मिल रहा है। 3 पसेरी आटा, यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री ने खमीर उस 3 पसेरी आटे में मिला दिया जिसको पूरा परिवार खाता था। आपका बच्चा कर ले शैतानियां जितनी करनी, अगर आप खमीर हो घुटने टिकाओगे आप उसके एक दिन, और घुटने भी आपसे बढ़िया टेकेगा, घुटने टिकाओगे आप, आपके साथ बैठा हालेलुया हालेलुया कर रहा होगा, आप देखना। आमीन। आप खमीर हो, पॉजिटिव खमीर, बस अपने आप को खराब मत होने देना। हाँ, क्योंकि अगर आटा आपके साथ लगा तो आप तो आटा नहीं बने, वो जरूर खमीर बने। हाँ, नमक के साथ फीकी चीज लगी तो उसे तो फीका नहीं कर सकती, पर खुद नमकीन होगी। आप नमक हो, आप खमीर हो, आप ज्योति हो। अगले लेवल पे अगर जाना है तो अपने दुखों पर घमंड करना, अपने फेलियर्स के ऊपर जो परमेश्वर के रास्ते में, उन पे घमंड करना, परमेश्वर को कुछ थोपने की कोशिश मत करना, क्योंकि जनरल्स जो हैं, खुदा के जो बड़े दास हैं, वो अपनी प्रीचिंग से नहीं अपने दुखों से अपने जख्मों से जाने जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जख्म देख, मिरेकल नहीं, जख्म देख, मैं वही हूं। हालेलुया। अपनी संगति सही लोगों के साथ रखना, ये मैंने आपको एक वर्ड दिया सिर्फ बाइबल से, किनके साथ संगति रखनी, आपको एक निशानी दी है, ऐसा बहुत लंबा वचन मेरे पास है जो किसी दिन मैं आपको दूंगा। ये कैसे बाइबल से आप जांचते हो कि किन लोगों के साथ संगति रखनी और किन के साथ नहीं रखनी। आमीन। लिखा अपने अगुओं को बहुत ही सम्मान के योग्य और दुगने आदर के योग्य जानो, और लिखा कुत्तों से चौकस, काट कूट करने वालों से, जो घर के अंदर होते हैं, कलीसिया के अंदर होते हैं, और लिखा उन्हें फायर किया जाए, उन्हें निकाला जाए ताकि बाकी लोग बचे रह सके। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम खमीर हो, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप समझ गए कि नहीं? आप मनन करना घर जाके कि अगर मैं खमीर हूं और अगर मुझे करप्ट मैंने अपने आप को नहीं होने दिया तो अपने आसपास देख के हंसना जरूर, क्योंकि अगर भाई दिखा तो आप हंसेंगे क्योंकि ये भी आने वाला है, अगर बहन दिखी आप हंसेंगे, उसे नहीं मालूम आप क्यों हंस रहे हो, उसे नहीं मालूम वो भी आने वाला है, आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, वो बोलेंगे तुम पागल हो हंसते रहते हो, आपको मालूम होगा तुम पागल हो मैं सही हूं, क्योंकि आपको अपनी आप हो क्या आपको मालूम होता है, आप हो क्या, हाँ आप चीज क्या हो ऐसे बोलते हैं, तुम्हें मालूम होता है, बोलते ना तू चीज की है, मतलब मैं खबीर हूं,
मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं। आमीन। तुम क्या चीज हो? मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। मेरी प्रार्थना डायरेक्ट हेवन तक पहुंचती। आमीन। मेरी अर्जी सीधा जजों के जज के पास पहुंचती, डॉक्टर्स के डॉक्टर के पास पहुंचती। आप जब इस वचन को मनन करते, जरूरी नहीं आप 50 पद पढ़े रोज, 50 अध्याय पढ़े और इधर से पढ़े और इधर से निकाल दें। अगर कुछ ऐसा वचन आपके सामने आए, आपको चुप जाए, उस पे मनन करो, खा जाओ उसको, बैठो उस पे। प्रभु कहता है मैं अपने राज्य के कंपैरिजन किसके साथ करूं? मेरा राज्य एक स्त्री के समान है जिसने खमीर को लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। होते होते सब आटा, पर आज अगर खमीर खराब हुआ तो कोई फायदा नहीं। खराब खमीर कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में, कोई नहीं डालता अपनी कर्ड में, अपनी दही में, कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में। अगर वो खमीर सही है तो डाला जाता है। अगर आप सही खमीर हो तो अपने आसपास, अपने लोगों, अपने मोहल्ले, अपने अपने नगर को, अपने परिवार को जरूर देखना और हंसना जरूर, क्योंकि वो खमीर बनने वाले। आमीन। वो खमीर बनने वाले हैं चर्च। पर याद रखना एक चीज, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जहां बहुत से विश्वासी फेल हो जाते हैं कि इतना दुख हम कैसे उठाएं, पर लिखा थोड़ा सा दुख तुम्हारी अनंत महिमा को पैदा करेगा, थोड़ा सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। दुख थोड़े दिनों का होगा, गवाही पूरी उम्र की होगी। दुख थोड़े घंटों और महीनों का होगा, पर गवाही तुम्हारे बच्चे पोते भी देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप खमीर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। आप खमीर हो, आप जाग लगा दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब खमीर ब्रेड में, आटे में डाल दिया जाए या दही में डाल दिया जाए, जिसे आप जाग बोलते हो, खट्टा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, क्या उस दही को गालियां निकालने से वो जमने से रुक जाएगी? क्या वो ब्रेड रुक जाएगी? तो आपको लोग कुछ भी कहें, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी ब्लेसिंग। एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप रुके तो आपकी अपनी करप्शन, वो नहीं होनी चाहिए। आमीन। अगर आप खुद करप्ट नहीं हो तो आप फिर जबरदस्त खमीर हो। आप आज नहीं तो कल आने वाले लोग, एक दो अगर नहीं आए तो फिर 10-20 इकट्ठे आने वाले। अगर 10-20 नहीं आए तो 100-200 और 1000-2000 और 1,00,000-2,00,000, करोड़ 2 करोड़। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप क्या हो? मनन करो अपने आप को और पहचानो आप कौन हो, क्या कर सकते हो। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी है, कुछ भी पॉसिबल। आमीन। लाइफ क्या करनी है? फिर कुछ भी पॉसिबल। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी, कुछ भी पॉसिबल। करप्शन से दूर रहना है, व्यभिचार से, नशों से, ऐसे कामों से दूर रहना है, कुछ भी पॉसिबल। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती। इसलिए कहता मैं अपनी निर्बलताइयों के ऊपर, पौलुस कहता मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ना, परमेश्वर ने कहा इसको आनंद की बात समझा जाए, अगर आप मसीह में हैं तो।
क्योंकि आपका एक दुख जो लोगों को नष्ट कर देता है, वही दुख आपको बनाएगा, आपको गवाही देने के योग्य करेगा, जनरेशंस को ब्लेस करेगा, आपको ऐसा गवाह बनाएगा कि हजारों लाखों आपकी गवाही से प्रभावित होंगे, प्रभु को जीवन देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंच उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। जो वचन में सुनू सो गुना फल लाए, जो गवाहियां में सुनू सो गुना फल लाए। ऊंची आवाज में सब गवाहियां एक साथ ले आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,